कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्या पद्धति के जो एनटीपीसी में, ठीक, एनटीपीसी में किसी ना किसी साल का आया था, ठीक है दोस्तों, तो वो सवाल को इसमें कवर करेंगे दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये चैप्टर वाइज हम चलाएंगे, ठीक, एकदम शुरू से चैप्टर वाइज चलाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एकदम 100%, और उसके नीचे भी दर्शाया गया है कि कौन किस साल में आया है, किस पाली में आया है, ठीक है दोस्तों। तो रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एनटीपीसी वालों के लिए नहीं, ग्रुप डी वालों के लिए भी मैथ ही एकदम जीरो से हीरो बना देगा। तो उसका ये पार्ट वन है। अगर ऐसा ही वीडियो आप पाना चाहते हैं और पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं ऐसे ही मैथ का क्वेश्चन का, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कट गया है। तो निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या है जो 175 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि देखिए पूरा तो हल नहीं करेंगे लेकिन इसका सोल्यूशन जरूर बता देंगे हर एक सवाल का। देखिए 175 से मतलब भाग देने पर पूरा पूरा जो विभाजित हो जाएगा, तो ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, चार संख्या हो जाएगी जो 175 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला सवाल रहा। ठीक इसी प्रकार का सवाल आता है एनटीपीसी में। देखिए ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016 को थर्ड पाली में दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, ठीक। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जो कि स्वयं से काटता है। तो सबसे छोटी दो अंकों के अगर अभाज्य संख्या ज्ञात करें तो 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, 97 और 11 हो जाएगा। तो इसका अंतर पूछ रहे हैं, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर आगे की बात करें तो देखिए ये किस साल में पूछा है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 अप्रैल 2016 के सेकेंड पाली में पूछा है, ठीक है दोस्तों। अगर आगे बात करें तो देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है, ठीक, जो विषम है लेकिन अभाज्य है। तो देखिए विषम तो 15 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 12 इसमें सम है, ठीक। तो इसमें विषम विषम भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या मतलब कि जो कट जाए। तो देखिए 17 और 13 तो किसी से नहीं कटते हैं, 15 है, तो 15 कटता है, ये विषम भी संख्या और भाज्य भी है। 15 3 से और 5 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक। तो ए नंबर ये ऑप्शन सही है। तो एनटीपीसी ऑनलाइन ये मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में पूछा गया, सेकेंड पाली में, ठीक है दोस्तों। देखिए जो जो जिस साल पूछा गया वो नीचे दर्शा गया दिया गया है दोस्तों। देखिए ये है सवाल, धनात्मक पूर्णांकों को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक। 60 और 100 के बीच मतलब कि ऐसी संख्या चाहिए कि जो किसी से ना कटे, एक और स्वयं से कटते हैं उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसके अंदर देख लीजिएगा दोस्तों आप हल करके, तो इसमें आएगा 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसका सोल्यूशन अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसका सोल्यूशन भी हम बताएंगे देंगे आगे से, ठीक। लेकिन आप लोग का ज़्यादा समय ज्ञान ना हो इसलिए हम ऐसे किए हैं, केवल प्रश्न को ही कवर किए हैं दोस्तों। तो ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 6 अप्रैल को आया है, ठीक है दोस्तों, और ये 2016 में है फर्स्ट पाली में, ठीक। तो यहाँ से आप सूत्र भी जान सकते हैं कि जो एक और स्वयं से कटते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 60 और 100 के बीच ही कहा है, तो 8 हो जाएगा, ठीक। अगर आगे बात करो देखिए कह रहे हैं कि 24625 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है। देखिए 24625 में अगर 31 से भाग देंगे, ठीक, 31 से भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा वहीं पूछना है कि शेष कितना बचेगा। तो इसमें 11 शेष बचेगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। अब भाग देकर इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, और ये एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में पूछा था, ठीक। ऐसे ही अगर आगे बात कर देखिए, दो संख्याओं का योग 437 और उनका गुणनफल 21982 है, तो संख्या क्या है, ठीक। तो मैं इसका मतलब कि x प्लस वाई का मान दे दिया है 437, ठीक है दोस्तों, और x वाई का मान दे दिया है 21982 दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कह रहे हैं कि संख्या क्या है, तो यहाँ से आप x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा, ठीक। तो यहाँ से x माइनस वाई निकल जाएगा और x प्लस वाई दिया ही है, तो वहाँ से x वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, ठीक। और ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 58 और 379, और रेलवे ये एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 को पूछा है सेकेंड पाली में, ठीक। ठीक इसी प्रकार का आता है, इससे अलग नहीं आएगा कोई क्वेश्चन भी, ये संख्या पद्धति का ऐसे ही चैप्टर वाइज कराएंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और देखिए ये अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, ठीक, तो उनका गुणनफल क्या है। देखिए धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो x प्लस वाई 30 दे दिया है, ठीक, और x माइनस वाई 6 दे दिया। तो यहाँ से समीकरण से हल करके x वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक, और उसका गुणनफल निकाल लेंगे।
ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 216। और देखिए ये कई बार पूछा है दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 6 अप्रैल को पूछा है, 18 जनवरी 2016 को, 22 फरवरी 2016 को पूछा है, ठीक, ऑनलाइन जो परीक्षा हो रहा था उसमें कहा है। ठीक, अगर आगे बात करें क्वेश्चन का तो देखिए, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, तो उस संख्या के दो अंक के बीच का क्या अंतर होगा। ठीक, तो देखिए बीच का अंतर जब भी करता है तो इसका क्या हो जाता है कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा 54/9। ठीक, 54/9 होता है, जब अंतर कहेगा तो बाटा में 9 होगा उस संख्या का, अगर योग कहेगा तो बाटा में 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, तो 9 × 6 = 54, 6 बार में कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 6 अप्रैल को आया था, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आगे से पूरा हल करा कर देंगे, नहीं तो ऐसे हम इसलिए कवर करा रहे हैं क्वेश्चन का मैथ कि आप स्काइप कर करके देख सकते हैं और आप अपने से हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है दोस्तों। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 175। देखिए यहाँ अगर आपको करना है तो देखिए छोटी संख्या से, अगर वहाँ पे एग्जाम में अगर याद नहीं आ रहा है तो छोटी संख्या से, जैसे कि 9 संख्या मान लीजिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो देखिए 4 बार में आता है। ठीक, तो एक शेष बचता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि तो भाजक, तो ये हो गया भाजक, भाज्य भागफल शेष। ठीक, तो ये भाजक पूछ रहा है, तो ये भाजक कैसे आएगा इसको देखिए, ये भाजक आ जाएगा 9 में से शेष को घटाएंगे। ठीक, मतलब कि इसमें से जो शेष है उसको घटाएंगे, उसके बाद से भागफल से भाग दे देंगे, तो 9 में से घटाएंगे तो 8 हो गया, 8 में से 4 से भाग देंगे, तो ऐसे ही 14528 में से 3 को घटा देंगे और उसके बाद से 83 से भाग दे देंगे तो ये संख्या आ जाएगी दोस्तों, तो ये संख्या क्या आएगी 175, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगर आगे बात करते हैं क्वेश्चन का तो देखिए, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 के मूल्य कितना होगा, तो ये इसका हो जाएगा 36 किलोग्राम। ठीक, अरे ये 36 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2.5 किलो के, इसको थोड़ा स्पष्ट हम बता दें, 2.5 को हम 2 से 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 1/2 का क्या होगा, तो 2×4 = 5/2 हो जाएगा। ठीक, 5/2 किलोग्राम का 120 रुपया है। ठीक, तो पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम का हो जाएगा 128 × 2/5 होगा। ठीक, 128 × 2/5 हो जाएगा 1 किलोग्राम का होगा ना, तो देखिए इसके बाद से अगर बात करें तो 2/5 के बाद से 3/4, तो इसका 3/4 करेंगे। ठीक, 3/4 करेंगे तो इसका 36 रुपया आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।